नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI कार्ड के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास एक से ज्यादा दो या फिर तीन SBI का कार्ड है तो उसे आपको मैनेज कैसे करना है, आपको पिन जनरेट कैसे करना है, आपको उसका लिमिट कैसे पता चलेगा और इसके साथ ही आप उसे यूज कैसे करोगे और सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो का अपनी तरफ से एक लाइक कर देना। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आप वीडियो के दौरान मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हाई लिखकर भेज सकते हो, वहां पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे कि पहले से आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है SBI कार्ड का, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास दूसरा नया SBI कार्ड का क्रेडिट कार्ड आपको मिल चुका है तो आप उसे एक्टिवेट कैसे करोगे, वो भी एक ही ऐप में, SBI कार्ड ऐप में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो न्यू वाला SBI कार्ड है उसका आपको करना क्या होगा, पिन जनरेट करना होगा। पिन जनरेट कैसे करोगे, आपको ये वाला हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है, इस पर चले इस नंबर को देखिए और डायल कीजिए, ठीक है। डायल करने के बाद 5 या 6 नंबर पर होगा कि पिन जनरेट करने के लिए 5 दबाएं या फिर 6 दबाएं, ठीक है दोस्तों। वहां पर आप अपने कार्ड की बेसिक सी डिटेल्स डाल के, जैसे कि लास्ट के 6 डिजिट या फिर 4 डिजिट इस तरह से डाल के अपना पिन जनरेट कर लीजिए, ठीक है। पिन जनरेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले हम आएंगे SBI कार्ड एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पुराना कार्ड था उसका डिटेल यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ये जो मेरा पुराना कार्ड है उसका डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है कि स्टेटमेंट ड्यू, अमाउंट पैड, यहाँ पर सारा कुछ पिछले कार्ड का शो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो नया कार्ड है उसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम ऊपर में एक एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो लास्ट का 4 डिजिट है ये आप देख सकते हो पुराने वाला है, नए वाला यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। नए वाला ऑटोमेटिक आ गया है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो SBI कार्ड इंजॉय फ्रीडम टू मैनेज योर क्रेडिट कार्ड, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑनलाइन स्पेंड पर 8,000 या उससे ज़्यादा करने पर 100 रुपये का हमें रिवार्ड पॉइंट भी दिया जा रहा है, बढ़िया है, ठीक है। डेट स्टार्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑन कर देना है और कंफर्म विद OTP पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ईमेल पर भी आएगा, मोबाइल पर भी आएगा, कहीं से भी लेटर के आप यहाँ पर डाल सकते हो। 11:27:41 यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है, सबमिट पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आया है। हमें ऊपर से 2 मैसेज भी आया है, हज बिन, यहाँ पर आप देखो ये मैसेज में यहाँ पर आया है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है हज बिन एक्सेप्टेड हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। वो सर्वे प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ा। चलिए मैं थोड़ा सा बैट करके इसे दोबारा से लाता हूँ, ठीक है। फिर से हम सारा कुछ सेम करेंगे, यहीं पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखोगे कि ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो अनरोल फीस 500 रुपये का हमारे से लिया जा रहा है, क्रेडिट लिमिट 59,000 रुपये हमें दिखाया जा रहा है और यहाँ पर बिल सर्कल जो है, जो हमारा बिल जनरेट हो रहा है
डे ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ 16 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। अब यहाँ पर नीचे में एक्सेप्ट कर लेते हैं आई एट, ये नीचे में जो दिया गया है इस पर क्लिक करके हमने एक्सेप्ट कर लिया है। यू हैव सक्सेसफुली अपडेट सेटिंग फॉर योर कार्ड, बैलेंस ट्रांसफ़र का ये चार्ज लगेगा, मंथ विद रस जीरो प्रोसेसिंग फीस अवेल नाउ, अकाउंट समरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हो जो हमारा नए वाला कार्ड है, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो 4366 नए वाला कार्ड का लास्ट का चार डिजिट, और यहाँ पर हमारा अवेलेबल क्रेडिट भी 59,000 है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और अवेलेबल कैश हम 17,700 तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नए वाला कार्ड है जो एक्टिवेट हो चुका है, डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर मेरे दोनों कार्ड एक साथ मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मैनेज कर सकता हूँ। देख सकते हो इस वाले का अवेलेबल क्रेडिट 55,000 है और नए वाले का 59,000 है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक ही SBI कार्ड ऐप में दो या तीन जितने भी आपके पास SBI के कार्ड हैं वो आप एक ही एप्लीकेशन में मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताएं। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो फटाफट मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।